हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अगर आपको कुछ सिम्टम्स, जैसा कि मेरा ये वीडियो है इसमें मैंने सिम्टम्स के बारे में बताया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आयोडीन की डिफिशियंसी के लिए आपको डायरेक्ट अपने आप से आयोडीन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, जब तक आप किसी डाइटिशियन या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ना हो या फिर किसी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन ना हो, तो तब तक आपको आयोडीन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर आयोडीन में डेफिशिएंट है तो आपको कुछ ऐसे फूड्स भी अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेने चाहिए जो कि आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो हम सभी जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो हम सबको लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं और हमें आयोडीन की डिफिशियंसी से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ साथ जो सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि आपको ब्रेन फंक्शन आपका थोड़ा वीक होने लगा है, चीजें भूलने लगे हैं, मेमोरी लॉस होने लगा है, या फिर इसके अलावा आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, आपको थायराइड जो है वो डिटेक्ट हो गया है, उस कंडीशन में कुछ ऐसे फूड आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सी वीड्स या सी कैल्प, जिसमें कि आपका स्पिरुलिना वगैरह ये सब चीजें आती हैं, ग्रीन एल्गी, ये आपको अलग से ही किसी भी आपको जो आपके आयुर्वेदिक स्टोर होते हैं वहां पर आपको ये मिल जाता है। ये सप्लीमेंट नहीं होता है, ये एक फॉर्म होती है, जिसे स्पिरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, सी वीड्स के आते हैं, सी कैल्प के आते हैं। ये बेसिकली एक काई होती है जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है, तो वहां पर ये आपको इजिली मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि आयोडीन जो होता है वो सी सॉल्ट से मिलता है, तो सी सॉल्ट ही क्यों, सी के अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज के अंदर आयोडीन होता है। ये रिसर्च जो है ये बाद में आई है, पहले लोगों ने आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लेना स्टार्ट किया था। तो जो एल्गी होती है, सी कैल्प, सी वीड्स, स्पिरुलिना, ये सारी चीजें भी हमें अपनी डाइट के अंदर बहुत कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी करके इंक्लूड कर लेनी चाहिए, अगर आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है या फिर सिम्टम्स दिखते हैं। दूसरा आता है सी फूड्स, यस सी फूड्स, जितने भी सी फूड्स होते हैं, चाहे वो आपके प्रॉन्स हैं या फिर आपके फिशेज हैं या फिर क्रैब्स वगैरह है जो लोग खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप मॉडरेशन में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमें सी से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं, हमें नमक भी मिल जाता है, हमें सी कैल्प भी मिल जाता है और हमें सी फूड भी मिल जाता है। तो किसी भी फॉर्म में आप अपनी डाइट के अंदर इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जो कि आयोडीन में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, वो आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीव्स में भी आपको आयोडीन जो होता है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, तो वो भी आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉटेज चीज़ है, छाछ है या फिर दही है या फिर दूध से बनी हुई पनीर है, इस तरह की चीज़ों के अंदर भी आयोडीन जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपनी डाइट के अंदर ऐसे चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से बनी हुई है, तो उन चीज़ों को भी अपनी डाइट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा एग्स के अंदर भी, एग्स, यस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हम लोग जो है एग्स की बात अगर हम करते हैं तो एग्स जो है वो योक भी होता है और उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लीन प्रोटीन, वो भी पार्ट होता है, लेकिन अक्सर लोग आयोडीन के नाम पर लीन प्रोटीन का जो पार्ट होता है सॉरी वो खा लेते हैं, लेकिन जो योक होता है उसको हटा देते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट को हम मानते हैं कि फैट है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है, योग के अंदर आपको आयोडीन मिलेगा, ना कि आपको लीन प्रोटीन यानी कि वाइट पार्ट के अंदर। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो फुल एग खाइए, अगर आप आयोडीन के पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हैं तो आपको फुल एग खाना चाहिए, अदरवाइज जो है आप एग योग भी आप अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको आयोडीन जो होता है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आई होप ये जितने भी मैंने सीरीज बनाई थी आयोडीन की वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बैक टू बैक आयोडीन के ऊपर बनाए हैं और वो सारे ही वीडियोस जो हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं। अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं या फिर आपको ब्रेन फॉग होता है या फिर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं मेरे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल एनरोलमेंट भी लेना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहां पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए एनरोलमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि कुछ रेसिपीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं तो उनको रेसिपी भी देनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं रेसिपीज ही डालती हूँ। और खाली रेसिपीज नहीं होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम भी होता है, उन स्पेसिफिक जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी हेल्पफुल वो रेसिपी वीडियोस हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अदर चैनल पर किसी भी वीडियो को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियोज़ जो डाइट से रिलेटेड है। ये चीज़ें मैंने पहले नहीं की थी लेकिन मैं अब करती हूँ। पर्सनली अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो देहरादून अपोलो क्लिनिक में आप आ सकते हैं, इवनिंग 5 to 7 मैं वहाँ पर अवेलेबल रहती हूँ। तो वहाँ पर आकर आप मुझे पर्सनली भी अपने डाइट प्लान्स या डाइट्स के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, किसी भी हेल्थ इशूज़ के लिए अगर आप वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँगी। चलते चलते मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड